बाकी इससे करवाए और अपनी कक्षा 11 के सिलेबस में चल रहे हैं जिसमें डे 50 में है। और नेक्स्ट जो टॉपिक अपने कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने किया था कि ढालू बंकित वृत्ताकार पथ पर, ढालू कह रहे या बंकित कह रहे की बात है, इसका मतलब है किसी कोण पर झुका हुआ है अगर पथ और वृत्ताकार घुमावदार पथ है तो उस पर सुरक्षित चाल के लिए सूत्र क्या होगा गाड़ी की सुरक्षित चाल के लिए। उसमें हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में डे 49 में कि जब घर्षण कार्य नहीं करे तो हमने एफ को नहीं लिया था वहां। अब हम बात कर रहे हैं कि जब घर्षण कार्य करें यानी घर्षण भी लग रहा है, एफ भी लग रहा है और घुमाव भी है वहां, टायर बाहर की ओर निकलेंगे गाड़ी तो घर्षण अंदर की ओर लगेगा केंद्र की ओर, और झुकाव भी है, थीटा भी है वहां, तो थीटा है तो सारी वैल्यू थीटा कोण पे रिप्लेस हो जाएगी जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वही बात हम फिर कर रहे हैं यहां। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एक बात, यानी पिछला जो डेरिवेशन हमने किया था पिछली क्लास को देखेगा, पिछला जो डेरिवेशन हमने किया था वही हमें दोबारा रिपीट करना, उसमें एक बात ऐड कर देंगे हम, वो है फ्रिक्शन घर्षण। अब पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें उसी को ही कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है तो दिक्कत नहीं आएगी। ये हम ले लेते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ है, ये उसका केंद्र है, ये उसकी त्रिज्या आर है, और ये कोई पथ जो है वो ये इतने थीटा कोण पर झुका हुआ पथ है, ये जो कोण है वो कितना है थीटा है। यहां पर कोई गाड़ी जो है वो गतिशील है, यहां पर कोई गाड़ी गतिशील अवस्था है, यहां तो इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे। देखिए हम वृत्ताकार पथ पर गति के लिए किस बल की जरूरत रहती है, अभिकेंद्रीय कण पर अभिकेंद्रीय बल लगता है जो हमेशा सेंटर पर सेंटर की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, वस्तु का भार हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है 90 डिग्री, ये हो गया प्रतिक्रिया बल। अब प्रतिक्रिया बल, ये सारी बातें पिछले टॉपिक की, प्रतिक्रिया बल भी कितने कोण पर विस्थापित हो जाएगा, किस कोण पर, थीटा कोण पर, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा, जितना सड़क दुखी है उतना प्रतिक्रिया बल दुख जाएगा आगे की ओर, तो ये इसका क्षैतिज घटक होगा आर कोस थीटा, इसका ठीक लंबवत घटक होगा इधर आर साइन थीटा। अब बात कर रहे हैं गाड़ी के टायर बाहर की ओर निकल जाते हैं तो घर्षण बल लग रहा है, अभी हमने पिछले में ये मानता नहीं लग रहा, लेकिन हम क्या करें लग रहा है घर्षण बल तो उसका भी यूज करना है, तो घर्षण बल किधर लगेगा सेंटर की ओर लगेगा, लेकिन लेकिन गाड़ी जब झुकी हुई है टेढ़ी है तो घर्षण बल का भी झुकाव उतने कोण पर हो जाएगा, यानी घर्षण बल भी किधर लगेगा ऐसे लगेगा एफ। अब ये जो कोण है वो भी कितना होगा, ये जो कोण है वो भी कितना होगा थीटा ही होगा, ये जितना ये कोण है उतने कोण ये होगा, यहां पर थीटा होगा, तो यहां कोण थीटा है, जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है उधर क्षैतिज घटक लेते हैं, एफ का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा, और क्षैतिज के ठीक 90 डिग्री पर वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऊर्ध्वाधर घटक जो किधर होगा नीचे की ओर होगा, क्योंकि जिसके घटक कर रहे हैं वो दोनों वैल्यूज के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा कौन सा एफ साइन थीटा। अब आपको देख के बताना भी कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के हमने टुकड़े कर दिए एफ के हमने टुकड़े कर दिए, तो आर और एफ को सिंगल नहीं लेना है हमें, एफ के दो भाग हो गए एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, आर के दो भाग हो गए आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा तो इन दोनों को बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसका मतलब r cos theta अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम r cos theta विल बी इक्वल टू f sin theta प्लस mg एंड r sin theta प्लस f cos theta इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये दोनों मिलकर अभिकेंद्रीय बल देंगे, यानी वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल की जो जरूरत होती है वो ये दोनों बल मिलकर देंगे, इन दोनों का योग होगा। अब आपकी बात थ्योरी की कैसे लिखें इसकी, तो पहले तो आप जो एज्यूम करके चल रहे हैं वो लिख लें इसके अंदर, फिर लिख दे कंपोनेंट और फिर लिख दे डायग्राम से। क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, माना कोई एम द्रव्यमान का कण किसी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, उसका भार नीचे की तरफ काम करता है, प्रतिक्रिया बल थीटा कोण पर
विस्थापित होता है जिसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है। घर्षण बल भी थीटा कोण पर विस्थापित होने के कारण इसके भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं डायग्राम से, लिख रहा हूं शॉर्ट में, ये आप लिख लें, माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर थीटा कोण पर बंकित पथ है जिस पर कोई वाहन एम द्रव्यमान का है गतिशील अवस्था में है। बाकी बातें हम इसके अंदर लिख लेते हैं। क्या लिखें, प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक, फिर आप इसमें लिख दें इस पर निम्न बल कार्य करते हैं। ठीक है, इस पर जो बल काम कर रहे हैं वो निम्न बल काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक क्या है, आर कोस थीटा, किधर काम कर रहे हैं, ऊपर की ओर काम कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्वाधर घटक आर साइन थीटा किधर काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं, केंद्र की ओर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है घर्षण बल, घर्षण बल का क्षैतिज घटक क्या है, एफ। क्षैतिज घटक हमेशा कोस होता है, भी क्षैतिज वर्ड आ गया तो इसका मतलब कोस ही है। एफ कोस थीटा किधर काम कर रहे हैं, केंद्र की ओर, दिख रहा है केंद्र की ओर, इंद्र तो लग रहा है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर। और ऊर्ध्वाधर घटक किसका, इसी का ही क्या है, एफ साइन थीटा किधर काम कर रहे हैं, नीचे की ओर। वस्तु का भार हमें पता ही है हमेशा किधर काम करता है, वस्तु का भार हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर। अब आपको कौन से प्लस करने हैं, किसके इक्वल लेना है, वो सब चीजें डायग्राम से दिख जाएगी। तो डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है एनसीपी टॉपिक में, और इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, वे दोनों तीनों जो हमने पढ़े हैं एक दूसरे से रिलेट है, इन्हीं में से एक टॉपिक एनुअल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बाय डायग्राम क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख लें आर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब हमें क्या करना होता है, एम जी स्क्वायर अपॉन आर में बाल देना होता है ना इसका, इसलिए क्या करें एम जी को एक साइड में रख लें, इसको इधर लिया, साइन कोस एक तरफ ले लो, नॉर्मल वेव एक तरफ, तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू समीकरण नंबर ए। दूसरी इक्वेशन, ये दोनों मिलकर क्या देंगे, अभिकेंद्रीय बल देंगे, तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण नंबर दे दो। हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, इसलिए क्या करो दो में एक का भाग कर दो, समीकरण दो में एक का भाग करने क्या आएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू एम जी। एल एच एस में एल एच एस का भाग दे दिए, सॉरी आर एच एस में आर एच एस का, एल एच एस में एल एच एस का दे दो, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहां थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हमें तो वी निकालना है ना, आर जी को इधर ले जाएंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन तब तक करते हैं जब तक पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, यहां तक सिंप्लीफाई नहीं हो जाए कि उसके आगे और कुछ सोल्व नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, एफ जो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, घर्षण बल हमेशा प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू
ये दर्शन की परिभाषा में हमने बात कर ली थी पहले। तो यहां क्या रख दे म्यू आर, यहां भी रख दे म्यू आर, आर देखो सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर एक ऊपर कॉमन आ जाएगा, आर नीचे कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। अगर कंफ्यूजन रहे तो आप इसको दो स्टेप बढ़ाते, गलती न होने से बेटर ही रहता है कि हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, ठीक है। वरना हम ये देख लें कि उसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां से कॉस को भी कॉमन लिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो वैल्यू होती है वो ही कॉमन आए, जो नहीं होती है वो भी कॉमन आ जाती है, उसको भी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जिस वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं उसका क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना, जिस वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं उसका पूरी इक्वेशन में भाग दे देते हैं। तो हम क्या करें, आर के साथ साथ कोस थीटा को भी निकाल दें, तो आर कोस थीटा का इसमें भाग करेंगे तो आर से आर कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, इसीलिए हम कोस को साथ में भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, यहां आर कोस थीटा है, आर कोस थीटा का भाग कर रहे हैं कट गया, आर से आर कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, इसमें आर कोस थीटा कट गया तो जगह जगह कोस थीटा साइन थीटा नहीं बचेगा, दो जगह से कम हो जाएगा, इसीलिए क्या करें आर कोस थीटा को क्या निकाल लें, बाहर निकाल लें। यहां लिख रहा हूं मैं बी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू आर कोस थीटा को हमने निकाल लिया ऊपर से बाहर, यहां से बाहर निकाल लिया, तो आर कोस थीटा को भाग देंगे आर से आर कैंसिल, साइन बटे कोस क्या गया टेन थीटा प्लस म्यू एज इट इज, और आर कोस थीटा में जो बाहर निकाला उसका भाग देना है, आर कोस थीटा में आर कोस थीटा भाग दिया कट गया, तो क्या आ गया म्यू डिवाइडेड बाय, यहां पर भी आर कोस थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया आर कोस थीटा में आर कोस थीटा का डिवाइड करेंगे वन हो गया कट गया, माइनस माइनस म्यू एज इट इज आ गया, आर का भाग करेंगे आर कोस थीटा का तो आर से तो आर कट गया, आर साइन थीटा में किसका भाग कर रहे हैं आर कोस थीटा का, तो आर से आर कट गया, साइन बटे कोस क्या हो गया टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा म्यू टेन थीटा। इस फॉर्म में बुक्स में दिया जाता है इसलिए हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा इजी फॉर्म भी है, तो यहां से ये कट गया, आर जी को इधर ले जाओ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आर जी मल्टीप्लाई बाय इसको ऐसे लिख दें टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। और अब हमें क्या निकालना है, अभी क्या करें क्या करें अंडर रूट, तो ये आ गया आर जी दिखाई नहीं दे रहा वो शायद ऊपर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो v बराबर क्या आ गया v बराबर अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर सेफ स्पीड ऑफ एन पार्टिकल विच इज मूविंग एट एन इंक्लाइंड सर्कुलर पाथ, जो किस पे मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, और जो बंकित पाथ है उस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या है ये व्यंजक। तो इस तरह से तीन बातें हो गई इसकी, और तीनों बातें तीन क्लासेस में हमने की है वन बाय वन, डे शायद 48 से शुरू की था, 48, 49 और 50, इन तीनों क्लासेस को आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको तीनों बातों के बारे में पता चल जाएगा कि अगर समतल पथ है उस पर गति कर रहा है वाहन तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है अंडर रूट म्यू आर जी। जब हम ढालू वर्ताकार पथ पर लेते हैं जब घर्षण कार्य नहीं कर रहा तो उसके लिए फॉर्मूला आता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्योंकि कोण आ गया तो वो थीटा पे डिपेंड करेगा। यहां पर घर्षण कार्य कर रहा है तो घर्षण और आ जाता है साथ में, तो फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। म्यू क्या है, यहां घर्षण गुणांक है, ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर ले, अच्छी तरह से, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है,
और परीक्षा के लिए कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इनके कंपोनेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से अभिकेंद्रीय बल में कौन से घटक काम आते हैं, तो आप लोग पता होना चाहिए। प्रतिक्रिया बल का सैंड घटक काम आता है, घर्षण बल का पोस घटक काम आता है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।